एक गांव में एक स्कूल था। वहां अक्सर रात में जोर जोर से चिल्लाने की डरावनी आवाजें आती थी, जिसे सुनकर गांव वाले अक्सर डर जाते थे। दिन में उस स्कूल में कुछ नहीं होता था, इसलिए बच्चे भी वहां दिन में पढ़ने चले जाते थे। उसी स्कूल में रामू और शामू नाम के दो बच्चे भी पढ़ते थे। दोनों बहुत ज्यादा शरारती थे। एक दिन रामू शामू से कहता है, अरे शामू, ये ऊपर क्लासरूम का दरवाजा बंद रहता है, क्यों ना किसी दिन अंदर चल के देखें? अंदर ऐसा क्या है जो ये दरवाजा बंद है? ना बाबा ना, मैं नहीं जाने का कहीं भी। पता है बाबा बोलते हैं वहाँ भूत रहता है, वो बच्चों को मार डालेगा। तेरे पिताजी भी ना, अरे कहीं भूत भी कुछ होता है? कोई भूत भूत नहीं होता। मैं तो कहता हूँ उस क्लासरूम के अंदर चलते हैं, देखते हैं उसमें ऐसा क्या है जो सब लोग डरते हैं। लेकिन शामू रामू की बात पर ध्यान नहीं देता। शाम को रामू और शामू अपने दोस्तों राजू और मुन्ना के साथ मिलते हैं। वहाँ रामू शामू का काफी मजाक बना देता है और राजू और मुन्ना भी उस पर खूब हंसते हैं। अगले दिन स्कूल में शामू रामू से कहता है, कल मुझे बहुत डरपोक डरपोक कह रहे थे ना, आज मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं उस बंद कमरे में। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, हम उस कमरे में रात में जाएंगे। रात में जाने का नाम सुनकर ही रामू घबरा जाता है और बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था शामू भाई। अरे रात में वहाँ कहाँ जाएंगे, रात में तो वहाँ से डरावनी आवाजें आती हैं। बस क्या, हवा निकल गई, तुम तो बहुत बहादुर बन रहे थे, अब क्या हुआ बोलो, चले या नहीं? शामू की ऐसी चुनौती भरी बातें सुनकर रामू गुस्से में आ जाता है और रात में उस कमरे में जाने के लिए राजी हो जाता है। इसलिए वो लोग स्कूल से घर नहीं जाते और छुट्टी होने के बाद वही स्कूल में रुक जाते हैं। रामू और शामू रात होने का इंतजार करने लगते हैं। भाई शामू, हम सही तो कर रहे हैं ना, कहीं वहाँ अगर सच में बहुत बड़ी चुड़ैल हुई तो? भाई डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो रुक ही गए हैं। क्यों ना अपनी आँखों से देखकर सच्चाई का पता लगाया जाए। रात होते ही पूरे स्कूल की लाइट बंद हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। यार स्कूल में तो चारों तरफ अंधेरा ही हो गया है, अब क्या करें? करना क्या है भाई, मैं तो कहता हूँ घर निकल लेते हैं, वैसे भी अब तो घर पर भी पिटना है, इतनी देर जो हो गई है। ऐसा कहकर रामू और शामू वहाँ से घर की ओर जाने लगते हैं। तभी ऊपर के कमरे की लाइट अपने आप जल जाती है। ये देखकर रामू और शामू डर जाते हैं। फिर रामू और शामू कमरे के पास जाते हैं। अरे रामू, इस कमरे के अंदर से तो आवाजें आ रही हैं। क्या करें अब, कहीं इसमें सचमुच भूत हुए तो? मुझे तो डर लग रहा है। अरे करना क्या है, अब तो इसे खोल के देखना ही है कि क्या है कमरे में। और रही भूत की बात भाई, मेरे पिताजी से बड़ा भूत तो दुनिया में है ही नहीं, तुझे तो पता है ना उनके बारे में, इसीलिए डर मत। ऐसा कहकर रामू वहाँ पड़े हुए एक पत्थर से कमरे पर लगा हुआ ताला तोड़ देता है, दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलकर जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, अंदर का नजारा देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अंदर एक चुड़ैल बच्चों को पढ़ा रही होती है और क्लास में बहुत सारे बच्चे और शैतान बैठे होते हैं। ये देखकर रामू और शामू दोनों घबरा जाते हैं और छुप जाते हैं। अरे शामू भाई, यहाँ तो सचमुच की चुड़ैल और भूत है, इससे पहले ये कुछ करे हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। शामू सही कह रहे हो, तेरे पिताजी ने सही कहा था, यहाँ सचमुच चुड़ैले रहती हैं। तभी अंदर से एक चुड़ैल की डरावनी चीख आती है और वो दोनों डर जाते हैं। रामू शामू से कहता है, भाग बेटा शामू यहाँ से, नहीं तो ये चुड़ैल हमें भी अपना स्टूडेंट बना लेगी। लेकिन तभी चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती
कहाँ जा रहे हो मेरे नए स्टूडेंट? बच्चों जरा रुको तो सही। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम्हें मेरी क्लास में पढ़ना होगा जैसे और बच्चे पढ़ रहे हैं। तभी वहाँ एक शैतान बच्चा आता है और बोलता है, सही कहा चुड़ैल जी, इन्हें अपनी क्लास में रख लो, मजा आएगा। चलो क्लास में जाकर पढ़ाई करो, जब देखो खेलने की पड़ी रहती है। चुड़ैल को गुस्से में देखकर शैतान बच्चा वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल रामू और शामू के पास जाती है और जादू से अपने हाथ में खून से भरा कटोरा लेकर उन दोनों के आगे कर देती है। पियो इसे और मेरी क्लास में भर्ती हो जाओ, नहीं तो मरने के बाद तो होना ही होगा तुम्हें। चुड़ैल की धमकी सुनकर दोनों डर जाते हैं। तभी शामू चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी आप तो मरे हुए शैतानों को पढ़ा रही हैं, आपके बच्चे भी बोर हो गए होंगे। अब तक तो अगर आप हम जैसे जिंदा बच्चों को भी पढ़ा कर देखो तो आपकी क्लास में सारे बच्चे बहुत खुश होंगे, और ये रामू तो बहुत अच्छा नाचता भी है। बात तो तू सही कह रहा है लड़के, तुम दोनों मेरे बच्चों को एंटरटेन भी करोगे। मजा आ जाएगा, चलो अब तुम दोनों नाच के भी दिखाओ। ऐसा कहकर चुड़ैल रामू और शामू को अपनी क्लास में ले जाती है। रामू और शामू नाचने लगते हैं। थोड़ी ही देर में नाचते नाचते थक जाते हैं। शामू के बच्चे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे फंसा दिया। गुस्सा क्यों हो रहे हो रामू? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये चुड़ैल हम दोनों को ही मार डालती। अब गुस्सा छोड़ो और यहाँ से निकलने की सोचो। मजा आ गया, तुम तो सचमुच में बहुत अच्छा नाचते हो, बिल्कुल फिल्म के हीरो की तरह। अब तुम दोनों यहीं रहोगे और मेरा और बाकी बच्चों का मनोरंजन करोगे। ये कैसे हो सकता है चुड़ैल जी? अगर आज हम अपने घर नहीं गए तो हमारे घर वाले बहुत नाराज और परेशान होंगे। वो हमें ढूंढेंगे और यहाँ भी आ सकते हैं। आने दो उन लोगों को यहाँ, भला मैं कोई गांव वालों से डरती हूँ? देख लूंगी सबको, लेकिन तुम दोनों यहाँ से नहीं जाओगे अब। तभी शामू बोलता है, चुड़ैल जी जाने तो, इसके बारे में आपको पता नहीं है शायद, इसके पिताजी बहुत बड़े तांत्रिक हैं और बहुत सी चुड़ैलें उन्होंने कैद कर रखी हैं। अगर आपने इसे पकड़ा तो वो भी यहाँ आ जाएंगे। तो आने दो तांत्रिक को, देखती हूँ कितना बड़ा तांत्रिक है, मेरी शक्तियों के आगे नहीं टिक पाएगा वो। तभी वहाँ एक और चुड़ैल आती है और बोलती है, अरे चुड़ैल ऐसे क्यों बोल रही है, चुपचाप जाने दे इसे, एक बच्चा यहाँ नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वैसे भी इतने बच्चे हैं तो। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, आज तो मेरी सहेली की वजह से तुझे जाने दे रही हूँ, लेकिन तुझे कल फिर आना होगा अगर तुझे अपने दोस्त की जान बचानी है तो। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। रामू शामू के पास जाता है और बोलता है, रामू मेरे भाई तूने ऐसा क्यों किया, मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। फिर शामू के समझाने पर रामू वहाँ से चला जाता है और रोते रोते गाँव में जाकर गाँव वालों को स्कूल के बारे में बताता है, जिसे सुनकर गाँव वाले गुस्से में बोलते हैं। तभी शामू के पिताजी श्यामलाल बोलते हैं, भीमसेन ये क्या बोल रहे हो, मेरा बेटा वहाँ उस चुड़ैल के कब्जे में है, वैसे भी उस चुड़ैल को लाठी से नहीं मार सकते, हमें कुछ और सोचना होगा। फिर गांव वाले मिलकर एक साधु बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर बाबा कहते हैं, उस स्कूल के अंदर आम के पेड़ के नीचे एक औरत की लाश है, उसे जलाना पड़ेगा तभी हम लोग शामू को बचा सकते हैं। फिर बाबा के कहने पर गांव वाले और रामू स्कूल में जाते हैं। श्यामलाल और रामू स्कूल के अंदर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं। रामू की आवाज़ सुनकर चुड़ैल बाहर निकलती है, गांव वालों से मिलकर तुझ में ज्यादा ही ताकत आ गई, लड़के मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर चुड़ैल रामू की तरफ बढ़ती है, लेकिन श्यामलाल चुड़ैल को पकड़ लेता है। तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं और चुड़ैल को अपने मंत्रों से बांध देते हैं और फिर गांव वाले पेड़ के नीचे लाश ढूंढने लगते हैं और थोड़ी ही देर में लाश को खोदकर निकाल लेते हैं। बाबा लाश के ऊपर गंगा जल डालते हैं, लाश जलने लगती है और दूसरी तरफ चुड़ैल भी अपने आप जलने लगती है। थोड़ी ही देर में लाश और चुड़ैल जल जाते हैं
और भूतिया क्लास से भी सारे शैतान गायब हो जाते हैं।